नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी जो इसका चाचू ये छावनी में फौजियों की जो है वो अच्छा फौज में है ना। अच्छा अच्छा हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे फिर वापस आए। अच्छा मतलब ये आपने चाचा के पास जो छावनी में कैंट एरिया है उसमें जाती थी ये कैंट एरिया उसमें जाती थी ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आती थी। अच्छा छावनी एरिया में कैंट में रह के वापस आती जाती थी भी अकेली और जाती थी भी यहाँ से अकेली। अच्छा इसको लेने वाला जो रक्षा है इससे पूछो कि वो रक्षे वाला कौन है। अच्छा रक्षे वाला तो नजर नहीं आ रहा है, वो रक्षे वाला गायब है। सुना आपने, ये ऑडियो पाकिस्तानी युवक और हरियाणा के एक वकील के बीच का है, जहां पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन ने पाकिस्तानी युवक से बातचीत की है, जिसमें उसने सीमा हैदर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, सीमा और पाकिस्तान आर्मी का कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में गुलाम हैदर का हरियाणा निवासी वकील मोमिन तो दूसरी ओर पाकिस्तानी युवक बातचीत कर रहे थे, जिसमें सीमा हैदर के द्वारा पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में रहने की बात की जा रही थी। इसके साथ ही सीमा हैदर के पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि सीमा को पबजी गेम भी खेलना नहीं आता। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर वायरल ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है। तेज वहाँ कैसे टक टक करके बोलती है, मैंने कहा उसको बोलने का क्या, मैंने इसको बोला है, आज भी मैंने उसको कमेंट किया, तो जो बदतमीजी कर रही थी मैंने आज इसको कमेंट किया, उसके वो जो लाइव आई थी। अच्छा मैंने उसको कमेंट किया, मैंने कहा मोमन सर को जो है ना, मैं सारे वीडियो मोमन सर को दे रहा हूँ और मैं खुद मैदान में आ रहा हूँ उधर। अच्छा तो इसके मुँह बिल्कुल लास्ट में देखो, इसका मुँह ऐसे हो गया वो हो जाए, खत्म हो जाए, लाल पीला हो जाए। अच्छा अच्छा तो ये कोई कहीं इसने कोई इसको जासूसी वगैरह का शौक था, कोई सीआईडी करने का, जासूसी करने का कोई शौक था इसको, कोई ऐसा वहाँ कोई इंटरेस्ट था इसका वहाँ पर कोई नहीं रहे हैं? नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी जो इसका चाचू छावनी में फौजियों की जो है वो। अच्छा फौज में है ना। अच्छा अच्छा हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे फिर वापस आए। अच्छा मतलब ये आपने चाचा के पास जो छावनी में कैंट एरिया है उसमें जाती थी ये कैंट एरिया उसमें जाती थी ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आती थी। अच्छा छावनी एरिया में कैंट में रह के वापस आती जाती थी भी अकेली और जाती थी भी यहाँ से अकेली। अच्छा इसको लेने वाला जो रक्षा है इससे पूछो कि वो रक्षे वाला कौन है। अच्छा रक्षे वाला तो नजर नहीं आ रहा है, वो रक्षे वाला गायब है। अच्छा 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 तो ये छावनी कैंट में एक महीने मतलब हफ्ता हफ्ता दस दस दिन रुक के जाती थी। महीने में ऐसे समझो कि हफ्ता दस दिन वहाँ रुक के फिर वापस आती थी अपने चाचा के पास। चाचा के पास। अच्छा इसका चाचा फौज में है वहाँ जी? इसका चाचा फौज में है वहाँ। इसका जो चाचा है आर्मी में। अच्छा 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 गुलाम अकबर। अच्छा 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 चाचा का नाम है गुलाम अकबर, वो पाकिस्तान आर्मी में है, वो ट्रेनिंग सेंटर में है, ट्रेनिंग देता है आर्मी को। अच्छा वो आर्मी को ट्रेनिंग देता है इसका चाचा। हाँ इसका चाचा वो ट्रेनिंग सेंटर में है। अच्छा तो ये ट्रेनिंग सेंटर जाती थी? अब अंदर तो सर हमें तो जाने नहीं देते, लेकिन ये जाती थी अंदर। नहीं ये जाती थी, ये अंदर ये आपको पता ही है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी। अभी जो ये थोड़ा सा इसका माइंड जो बन, तो इसके ये है कि हैंग हो गया मेरा, चल नहीं रहा है, बंद हो गया, तो ये दोबारा से सॉफ्टवेयर करके मुझे खोल के देते, इतनी चालाक हो गई थी। मतलब ये फोन का सॉफ्टवेयर खुद करके आपको दे देती थी? टिकटॉक बैन है। हाँ ये वहाँ पे टिकटॉक चला रही है। अच्छा हाँ
पबजी की तो झूठ बोल रही है, पबजी को तू उसको बोल पबजी हम तेरे को डाउनलोड करके दे रहे हैं, तो पबजी का हमें यूसी ज्वाइन वो ले कर रहे हैं, तो इतनी चालाक है तो ये पबजी का तो इसको पता ही नहीं है, झूठ बोल रही है। पबजी खेलते नहीं थी? हेलो गुलाम हैदर को अपने बाप से कर रहा था, अपने बाप से तो वहां से देखा ना स्पीड से सीमा आ रही थी टोर पे। अच्छा ये तो कह रहा हूँ जिन बच्चों ने जो पास की हाँ। मैंने इसको ये भी बोला कि पुलिस हाँ ट्रॉफी मिलती है ना सर, जो छोटे बच्चों को देते हैं ना वो, हाँ जी हाँ जी, जैसे कि वो पास करे जुल्म करते हैं मारते हैं पीटते हैं तो ये सब कह रही है कि अगर नहीं मारता था हैदर को मेरे सामने, इसने चाटा मारा मेरे मोबाइल से। हेलो पता नहीं क्या हो रहा है वो मेरे, मुझे थोड़ा सा घुटन हो रहा है, बच्चों को लाओ मैं बच्चों को देखूं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा वो प्यार करता था ना। अच्छा 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 तो इसने बोला नहीं मैं अभी जो है ना मैं वहां आऊंगी अस्पताल में। अच्छा तो इसके अबू ने बोला कि सुबह किसने देखा, हो सकता है मैं रात को मर जाऊं तो फिर सीमा अपना वहां पे बैठी हुई है ना वहां, चलो भगवान को अपमान दिया तो हिंदू हो गई, भगवान को मानती है उस पे हाथ रख के बोले कि इसके अबू ने ये वर्ड बोले या नहीं बोले कि सुबह किसने देखा अगर मैं रात मर गया तो फिर। लेकिन ये बच्चों को नहीं लेकर गया, इसने इसने काल काट के नंबर बंद कर दिया। अच्छा मतलब अपने बाप रात को अपने मतलब अपने बाप को तड़पता छोड़ के फोन बंद कर दिया। तड़पता हुआ क्या, पूछने नहीं गया सर, पूछने नहीं गया, यकीन करो एक हफ्ते तक पूछने नहीं गया वो हॉस्पिटल में। जब इसका बाप सीमा का बाप बीमार था तो उसको एक हफ्ते तक पूछने के लिए गई ही नहीं हॉस्पिटल, पूछने तक नहीं गई, पूछने तक नहीं गई, यहाँ मेरे साथ थी। तो आपने नहीं बोला तू अपने बाप के पास जा? मैं क्या बोलूँ, बोले मेरा बाप ड्रामे पास है। ओ माई गॉड ओ माई गॉड, तो यार यहाँ के तो ये यहाँ इंडिया इंडिया अच्छा ये जो बच्चों को लेके आई है, पहले तो अकेली आई थी, ये अकेली आई थी तो अकेली चली गई, तो फिर ये बच्चों को लेके क्यों आई है, बच्चों को लाने का क्या मकसद है इसका? यहाँ बच्चों को तो ढाल बनाया सर इसने। अच्छा ताकि इंडिया की गवर्नमेंट को ढाल बनाया इसने, ताकि मतलब हिंदुस्तान अगर जेल में जाऊं भी बच्चों की खातिर मुझे छोड़ दे, और बॉर्डर में जो इंक्रास करने के लिए इसने क्या किया, बॉर्डर में कौन सी हरकत की इसने, क्या इसने जब ये क्रास कर रही थी वहाँ पुलिस वाला ऊपर गाड़ी में आया पूछने के लिए, तो इसने क्या किया, इसकी जो बड़ी बेटी है ना उसके मुंह पे हाथ लगा के उल्टी करवा दिया। अच्छा उल्टी देख के वो चला गया, उसने पूछा भी नहीं। अच्छा ओहो गाड़ी के ऊपर, ओहो इतनी तेज है ये, बहुत हरामी शास्त्र है। तो इतनी ट्रेनिंग कहाँ से आई इसको, इतना कहाँ से इसको दिमाग आया, इसी में तो मैं खुद हैरान हूँ। यहाँ जो ये मेरे सारे ये अड़ोस पड़ोस वाले वो सारे बोलते हैं कि ये इतनी तेज वहाँ कैसे टक टक करके बोलती है। मैंने कहा उसको बोलने का क्या, मैंने इसको बोला है, आज भी मैंने उसको कमेंट किया, तो ये जो बदतमीजी कर रही थी मैंने आज इसको कमेंट किया, उसके वो जो लाइव आई थी। अच्छा मैंने उसको कमेंट किया, मैंने कहा मोमन सर को जो है ना मैं सारे वीडियो मोमन सर को दे रहा हूँ और मैं खुद मैदान में आ रहा हूँ उधर। अच्छा तो इसके मुंह बिल्कुल लास्ट में देखो इसका मुंह ऐसे हो गया, वो हो जाए खत्म हो जाए लाल पीला हो जाए। अच्छा। ये तो उड़ के उधर आके पहुंची है। तो यार ये तो बड़ी चिंता की बात है यो। अच्छा और क्या था इसमें, और क्या काम था इसका, मतलब ये कहता है कि ये कह रही है कि हैदर मारता भी था इसको, ये कहती है हैदर मारता था? नहीं 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 सर, हैदर नहीं मारता था, हैदर को मेरे सामने इसने चाटा मारा मेरे मोबाइल से, मेरा मोबाइल जो है उससे हैदर ने बोला कि मैं अबू से बात करूं, अबू का नंबर मिला के दे, बैठे हुए थे शाम के टाइम सीढ़ियों पे, ये मेरे घर के बाहर जो सीढ़ियां हैं ना सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, तो इसने बोला नंबर मिला के दे, मैंने नंबर मिला के दिया गुलाम हैदर को, अपने बाप से कर रहा था अपने बाप से, तो वहां से देखा ना
स्पीड से सीमा आ रही थी। जैसे करीब आया तो इसने गुलाम हैदर के हाथ में मोबाइल देखा। गुलाम हैदर के हाथ में मोबाइल देखा, इसने बोला किस से बात कर रहे हो? तो मैंने इसको ये बोला है कि अपने अपने बाप से बात कर रहे, छोड़ दो। तो इसलिए ऐसे खेच के गुलाम हैदर को चाटा मारा पूरे गली के अंदर। गुलाम हैदर को खेच और गुलाम हैदर ने तो मुझे मोबाइल दे दी। मैंने बोला नहीं करो नहीं करो, लड़ो नहीं। लेकिन गुलाम हैदर ने हाथ नहीं उठाया। गुलाम हैदर पता है क्या बोलता था? गुलाम हैदर बोल रहा है ये पगली है, छोड़ दो इसको, ये पगली है, क्या करूँ अब इसको। अच्छा, इसने तो थप्पड़ इसको वापस घर लेकर गया। ओहो, तो वो तो बहुत शरीफ आदमी है। इसने गुलाम हैदर को थप्पड़ मारा। बहुत शरीफ, इतना गरीब है, इतना गरीब है ना, उसको ये सीमा ऐसे उंगलियों पे नचाते ना। अच्छा, उंगलियों पे, यकीन करो उसको खाना तक पूरा ना दे, चाय तक ना दे, फिर भी ये बेचारा खामोश रहे। वो जितना भी रक्षे में कमाए सारा इसके हाथ में। अच्छा, और ये ऐसी करे। और ये जो गुलाम हैदर की बीवी की जो बोल रही है ना कि बीवी को उसने छोड़ा है, लेकिन बीवी ने इसको गुलाम हैदर ने नहीं छोड़ा, इसने छोड़वाया जालिम ने। अच्छा अच्छा, जब गुलाम हैदर उसको यहाँ लेकर आया इनके साथ, तो मेरे तो पड़ोस ने थे, वो तो बेचारी पड़ोस है, अब क्या हो उसका। वो उसके साथ ये लड़े, उसको कूटे किचन के अंदर। वो खड़ी है, सिर्फ इसने क्या किया, वो सालन बना रही है। अभी आया, चेक किया सालन देखने के लिए कि सालन सही बना या नहीं। उसने चेक किया, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा थी, तो इसने जो मिर्ची पड़े हुए थे सारे उठा के उसके मुंह पे मारा। बोला लो, इतना मिर्ची खाने का शौक है तो इतना लो खाओ। इसने में इतना मिर्ची क्यों डाला? अच्छा, गुलाम हैदर की बीवी के मुंह पे मारा? बीवी के मुंह पे मारा किचन के अंदर। अच्छा, कपड़े धोने के लिए जाए तो वहाँ इसको क्या करे, वॉशरूम में बंद करे। अच्छा, अच्छा। लगा दे, बोला जब तक कपड़े धो फिर मुझे आवाज लगाओ मैं खोलूं। अच्छा अच्छा, इधर आए शाम को वापस आए तो वो बेचारी रोए बैठ के। अच्छा, गुलाम हैदर उनको बोले खैर है कोई मसला नहीं है। एक महीने तक उसने बेचारी ने ऐसे जलालतों के साथ गुजारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कह रही है कि वहाँ लड़कियों को बेच दिया जाता है और गुलाम हैदर की जो लड़की है उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया है गुलाम हैदर के फादर ने, ये बात सच है? नहीं नहीं, झूठ है सर। सर ये जो लड़कियों को बेचते हैं, ये बेचते नहीं है, ये हमारा अपना जो बलोची रिवाज है, जैसे शादी देते हैं ना किसी। अच्छा, को अच्छा, जैसे शादी का टाइम हुआ भाई, अब शादी का टाइम है, वो आते हैं भाई हमें इजाजत दो हम शादी करेंगे, तो फिर उसको बोलते हैं कि भाई पैसे दो जाके इसके जो सामान है ना वगैरह, जो भी पेड फ्रिज वगैरह जो भी सामान है उसके जरूरत के, वो सामान ले, बाकी जो पैसे बचे तो उस बेटी के हाथ में रख दे कि ये लो बेटा। अच्छा, ये कह रही है, ये कह रही है, अच्छा ये कह रही है, ये कह रही है, हाँ हाँ, ये कह रही है, ये कह रही है वहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, तो इसके बच्चे तो वहाँ स्कूल में जाते थे। स्कूल में सर, यहाँ मेरे सामने, मैं इसको पूछो, बच्चों का जो मिडिल इनको मिला है ना स्कूल से, हाँ वो भी इनके बहन के पास। अच्छा, मैं पहले यहाँ मेरे घर में आए भागते हुए। अच्छा, तो बच्चों को मेडल मिला है स्कूल से वहाँ? ट्रॉफी मिलती है ना सर, जो छोटे बच्चों को देते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी, जैसे कि वो पास करे। खेलने नहीं आता? नहीं नहीं, खेलना नहीं आता, ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। वो भी मेरे मोबाइल से खेलती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो मेरे अपने जो भतीजे हैं भांजे हैं उनके साथ। तो यार ये तो बड़ी ट्रेंड, ये तो यहाँ तो बड़ी ट्रेंड है यार, यो हर बात का जवाब इसके पास मौजूद है। और ये आप बता रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर भी करके आपको दे देती थी? ऐसे उनके साथ वो कंप्यूटर इसने तोड़ के अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। नहीं, कट गई आपकी आवाज ना पीछे,
वीक हो गई थी। क्या कह रहे हो कंप्यूटर? क्या मैंने कहा कंप्यूटर भी लिया? मैंने बोला कंप्यूटर क्या करोगी, बोला बस ऐसे ही चलाऊंगी। अच्छा हाँ, वो कंप्यूटर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, LG का सफेद कलर का कंप्यूटर है। अच्छा वो भी उसने तोड़ के फिर मुझे दिया। फिर मुझे बोले कि ये अब टूट गया, इसको रखो फिर बनाएंगे। ये तो उड़ के उधर आके पहुंची है। तो यार ये तो बड़ी चिंता की बात है। यो अच्छा, और क्या था इसमें, और क्या काम था इसका? मतलब ये कहता है कि, ये कह रही है कि हैदर मारता भी था इसको, ये कहती है हैदर मारता था। नहीं 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 सर, हैदर नहीं मारता था। हैदर को मेरे सामने इसने चाटा मारा मेरे मोबाइल से। मेरा मोबाइल जो है उससे हैदर ने बोला कि मैं अबू से बात करूं, अबू का नंबर मिला के थे। बैठे हुए थे शाम के टाइम सीढ़ियों पे। पाकिस्तान से जो सीमा हैदर के एक अति परिचित व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दी है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आने वाले समय में वो भारत की सुरक्षा को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि उसके मित्र ने बताया कि किस प्रकार ये वहां इसका कंडक्ट था, वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। तो उसके आधार पर गहनता से जांच होनी चाहिए और इसकी जमानत को रद्द करके इसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की सुरक्षा पहले है और बाकी चीज़ें बाद में। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद सीमा हैदर ने भी इस मामले पर अपनी सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके वकील आगे बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।